हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और पीछे से आप देख सकते हैं थोड़ा मौसम भी खराब है। वैसे तो कल रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम काफी ठीक है। तो कर लेते हैं आज के नए वीडियो का शुभारंभ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है दीप प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन का सबको इंतजार रहता है। तो आज है 21 अप्रैल, यानी कि आज से भगवान श्री केदारनाथ की जो पंचमुखी डोली होती है वह अपने शीतकालीन गद्दी स्थल यानी कि उखी मठ से और गुप्त काशी के लिए आज आती है। तो आज से भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी डोली की यात्रा शुरू होती है। तो आज हम पंचमुखी डोली की यात्रा के भागी बनने वाले हैं, तो आपको भी इस यात्रा में ले चलते हैं। तो सीधे मिलते हैं आपको उखी मठ में, जहां से भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी डोली की यात्रा शुरू होती है। भगवान श्री केदारनाथ की यह पंचमुखी डोली यात्रा ठीक 9 बजे, जो कि इस वर्ष का मुहूर्त निकाला गया था, उसी के अनुसार अभी पूजा और मुहूर्त के अनुसार डोली गुप्त काशी के लिए रवाना हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी तादाद है और धीरे धीरे यहां से डोली गुप्त काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। अभी भगवान श्री केदारनाथ की डोली संसारी गांव में पहुंच गई है। यहां से भगवान की डोली भैंसारी विद्यापीठ और कोठियाल गांव होके गुप्त काशी पहुँचेगी। ये खूबसूरत सा नज़ारा है गुप्त काशी का। तो अभी मौसम काफ़ी साफ हो गया है और ये पूरी जो भीड़ खड़ी हुई है, यह भगवान
शिव शंकर की पंचमुखी डोली यानी कि भगवान केदार की पंचमुखी डोली के लिए गुप्तकाशी स्टेशन पे खड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में डोली गुप्तकाशी पहुंचने वाली है। अभी भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी डोली काशी विश्वनाथ गुप्त काशी के गेट पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पे आ रखे हैं और नाचते झूमते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी डोली काशी विश्वनाथ गुप्त काशी के मंदिर में पहुंच गई है। यहां पे डोली मंदिर की परिक्रमा करने के उपरांत अपने विश्राम गृह में चली जाती है और शुभ मुहूर्त के अनुसार आगे के लिए डोली प्रस्थान करेगी।
भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी और डोली की यात्रा का सफर आज आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय श्री केदार।